अस्सलाम वालेकुम जी, सुजुकी एल्टो है VXR और बिल्कुल फ्रेश लुक में गाड़ी, माशा से अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। 2022 का मॉडल है, टोटल बम्पर टू बम्पर आप बाइक में गाड़ी है, जेन्युइन मिलेगी। और जितने भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे एल्टो की, यार एल्टो न्यू मॉडल या न्यू चेप ऐड करें, तो ये ऐड कर रहे हैं, लेकिन है पाकिस्तानी, तो जेपनीज़ की गाड़ी की जो है रिक्वेस्ट वो भी आई हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर जेपनीज़ गाड़ी मिल जाती है वो भी ऐड कर देंगे। टायर्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, तकरीबन कह सकते हैं यार 70% के आसपास टायर की शल से कंडीशन गुड है। चारों टायर आप भाई को सेम मिलेंगे, बाकी लाइट्स वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, फ्रंट से ग्रिल साइड भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। 2022 का मॉडल है सुजुकी एल्टो VXR। और नो डाउट गाड़ी की कंडीशन आउट क्लास है, फिर भी अपने हिसाब से लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो साइड से मैं आप लोगों को लुक दिखाया था, तो जगह का इशू हो रहा है, बाकी साइड से लुक इस तरह से कुछ गाड़ी की। 2022 का ये मॉडल है सुजुकी एल्टो VXR। बैक साइड से जो इंडिकेटर है वो भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, और बैक साइड से डिकी लुक भी आप लोग गाड़ी का चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से मतलब से लगी हुई नहीं है, रगड़ वगैरह नहीं है इस गाड़ी में। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम डोर्स की सील वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन कंडीशन मिल रही है हमें। और सीटों पे जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल हैं, बैक डोर जो है इस गाड़ी के हैंडल वाले हैं, और इसमें VXL का जो वेरिएंट आता है उसमें आप भाइयों को जो है पावर वाले मिल जाएंगे डोर, और इसमें VXR में जो है हैंडल वाले आते हैं साइड में। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन में आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी इंटीरियर से नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और जो नॉर्मल टैप सिस्टम इंस्टॉल है इस कंपनी वाला। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ और देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या है गाड़ी की वो भी आप भाई शेयर कर देंगे। ओके, तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से 660 सीसी के इंजन में है गाड़ी, नो डाउट माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में है, बिल्कुल ब्रांड न्यू 2022 का ये मॉडल है। और भी बढ़ते हैं ओनर की तरफ और पूछते हैं गाड़ी की जो प्राइस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? मैं इस गाड़ी की 24 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। 24 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, 2022 का मॉडल है जी जी। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए जरा। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी सर, और ये बिल्कुल वन हैंड चली हुई गाड़ी है जी सर। स्क्रैचलेस है। कितना चली हुई सर गाड़ी तक? ये 14,000 चली। 14,000 क्या माइलेज होती है पर लीटर के हिसाब से? ये 22.5 देती है। 22.5 देती है, मतलब 22 22.5 के आस पास इन सिटी देती है। हाईवे पे ये हाईवे पे आप समझ लें, वरना जैसे हम सिटी तो 18, 17, 19 हाँ बस यही है, 18.5 ऐसे है। अगर बिल्कुल लॉन्ग पे चलें, कहीं पर रुकना ना हो तो 22.5 कन्फर्म है। ठीक है, नंबर प्लेट तो नहीं आएंगी इसके, लेटर वगैरह होगा ना? जी 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 जी। ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए जो आपके इस्तेमाल में होता हो। हाँ, 0311 जी जी 8220। ठीक है, 79। क्या नाम है आपके सर? दानिश। कहाँ की लोकेशन है दानिश भाई? ये नॉर्थ नाजाबाद। नॉर्थ नाजाबाद लोकेशन। ठीक है दानिश भाई, बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कॉल आए तो अपने हिसाब से गाइड कर लीजिएगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गाड़ी है सुजुकी एल्टो है 2009 का मॉडल है, गाड़ी जो है टचअप की कंडीशन में है। बाकी गाड़ी की टचअप कंडीशन इस तरह है कि गाड़ी की साइडें जो हैं वो हल्की पुल्की शावर्ड हैं, छत डिगी से गाड़ी ये जेन्युइन मिलेगी। 2009 का मॉडल है सुजुकी एल्टो। अच्छा जी, तो टायर्स की बात करें तो तकरीबन कह सकते हैं 90% तक टायर गुड हैं, चारों टायर इस गाड़ी के न्यू इंस्टॉल हैं, नॉर्मल स्टेपनी वाले टायर लगे हैं इस गाड़ी के अंदर। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमें बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रही है, ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ है, दोनों लाइटें इस गाड़ी की बिल्कुल साफ मिलेगी, विंड स्क्रीन भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ है, और बोनट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये जो बोनट पे है पानी वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी अच्छी गाड़ी है, और बॉडी वाइज इस गाड़ी के अंदर कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा मुझे। 2009 का मॉडल है, बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से जी, और बैक साइड की दोनों साइड जो इंडिकेटर लाइट्स होती हैं वो बिल्कुल साफ हैं, कहीं से क्रैक नहीं है, टूटी भी नहीं है इस गाड़ी की लाइट्स। और जो अच्छा जी, दरवाज़ों की बात करें तो दरवाजे में बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिल रहे हैं, लेदर कवर वगैरह सीट पर इंस्टॉल हैं, और इंटीरियर से पूरी की पूरी गाड़ी आ रही आप हमारी को जेन्युइन मिलेगी। डैशबोर्ड से गाड़ी को देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी है, LCD पैनल वगैरह जो है लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, 1000 cc इंजन में एल्टो, आप आगे पता है जैसे कि एल्टो जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में होती है पाकिस्तानी, बहुत कम ऐसी एल्टो हैं जो जैपनीज़ होती हैं, वो भी 2002-2003 के मॉडल वाली जो नीचे नीचे होती हैं। अच्छा जी, तो ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी, साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है, जंप वाली मुक्कियाँ भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, टिकली साइड भी नज़र आ रही होगी आप भाइयों को,
बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। डाया बैटरी इंस्टॉल है, 1000 cc इंजन सुजुकी एल्टो पाकिस्तानी 2009 का मॉडल है। बाकी इस गाड़ी की जो डिटेल है ओनर के साथ मिलकर पूछ लेते हैं, आप भाइयों के साथ भी शेयर कर देते हैं। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, और पार्टी वगैरह लगी हुई इस गाड़ी पे। बाकी देखते हैं, अगर सेल ना हुई तो डिटेल वगैरह भी आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। 2009 का मॉडल है सुजुकी एल्टो। जी तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 880 की है। सर इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल प्राइस आपकी है? थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है सर? सब क्लियर, डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है सर इसके? सीट कवर लगे हुए हैं इसमें, AC CNG ऑन है, ठीक है। सेंट्रल लॉकिंग रिमोट कंट्रोल। कितना चली होगी सर ये? तकरीबन चलिए 1,75,000 या 1,75,000 1,80,000 तक के आसपास ओरिजिनल माइलेज में चली हुई। नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर? कोई काम तो नहीं है सस्पेंशन इंजन का? काम नहीं है। ठीक है सर, अपना नंबर शेयर कर दीजिए आपके इस्तेमाल में होता हूँ। मोहम्मद शाहिद नाम है, 0300-210-686। लोकेशन कहाँ की शायद भाई? लोकेशन है ये नाजमाबाद। नाजमाबाद की लोकेशन, ठीक है सर। ये ब्रांड न्यू कंडीशन में टोयोटा यारिस हमारे पास है, और गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में गाड़ी मौजूद है। 2021 का ये मॉडल है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में। इस गाड़ी का सिर्फ जो एक फाइंडर है वो टचअप है, वो फिर ऑनर के साथ मिलकर आप भाइयों के साथ भी शेयर करवा दूंगा। बाकी टोयोटा के अलार्म लगे हुए इस गाड़ी में, तकरीबन कह सकते हैं कि 80% के आसपास चारों ही टायर इस गाड़ी के बिल्कुल आपको तो साफ सुथरी कंडीशन में मिलेंगे। बाकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स भी माशाल्लाह से बिल्कुल साफ सुथरी ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेंगे आप भाइयों को। ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और टोयोटा यारिस की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, टोयोटा यारिस ये है, अगर आप भाइयों को समझ में आती तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। गन मेटेलिक कलर में, फुल ब्लैक नहीं, गन मेटेलिक कलर है। और नो डाउट माशाल्लाह से गाड़ी की कंडीशन है जो है वो देखने वाली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टोयोटा यारिस एक्स। तो बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, बैक साइड की जो लाइट्स है वो भी आप भाइयों को चेक कराया तो हम बिल्कुल साफ सुथरी हालत में मौजूद हैं। और डिगी साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, डिगी साइड से नो डाउट गाड़ी की माशाल्लाह से कंडीशन है। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर की बात करें तो दरवाज़ों की सीलें वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में मौजूद है। अंदर से जो है सीटों पे लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है। और ये ऑटो ट्रांसमिशन में है भाई, एक मैनुअल आती है इसमें, एक ऑटो आती है, ये ऑटो ट्रांसमिशन में है। ब्रांड न्यू कंडीशन से इंजन रूम से गाड़ी, और टोयोटा यारिस ऑटो ट्रांसमिशन। टोयोटा यारिस की जितने भाई रिक्वेस्ट करते हैं भाई, टोयोटा यारिस हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आप भाइयों को चाहिए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, उनका नंबर पूरी डिटेल के साथ आप भाइयों के साथ शेयर कर देंगे। और नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में। ये पावर स्टेयरिंग है जी, पावर विंडो है, और पुश स्टार्ट इंजन का ऑप्शन है इस गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या डिमांड कर रहे हैं सर इस गाड़ी की आप? इसकी 4450 कर रहे हैं, 2021 है, यारिस एक्स फुल ग्रेड में पुश स्टार्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, फर्स्ट ओनर है, बुक पे मेरे पास ओपन लेटर पे है। ठीक है सर, अभी 4-5 महीने पहले परचेज की थी तो अपने मैकेनिक से चेक कराया था। अच्छा, लेफ्ट हैंड का एक फेंडर जो है उसकी शावर की आवाज़ आई थी कि वो शावर है, बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है। जी बिल्कुल, हमने चेक कराई थी, हमारे पास काम वर्क रिक्वायर्ड सस्पेंशन ना कुछ भी नहीं। ठीक है, नंबर प्लेट तो नहीं आई होंगी ना? नंबर प्लेट इशू नहीं है, इसका लेटर मौजूद है, साइज का जो लेटर होता है। जी जी जी, वो मौजूद है। ठीक है सर, नंबर शेयर कर दीजिएगा आपका। 0300-217-6378। ठीक, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आफ्ताब अली। आफ्ताब भाई, ये लोकेशन कहाँ की है? सेक्टर 11 है, नॉर्थ कराची। ठीक है, सेक्टर 11 है, नॉर्थ कराची की लोकेशन है। बाकी इंजन कितने सीसी है इसके अंदर? 1500 सीसी। बहुत शुक्रिया। तो 1500 cc इंजन इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, ये ऑटो ट्रांसमिशन में है, गाड़ी माशाल्लाह से साफ सुथरी है। 21 का मॉडल है, एक फाइंडर इस गाड़ी का टचअप है, इसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी आप भाइयों को जेन्युइन मिलेगी माशाल्लाह से। गाड़ी अच्छी कंडीशन में, जिस तरह से कैमरे में मैंने आप लोग गाड़ी दिखाई, रियल में भी आप लोग गाड़ी इसी तरह ही देखने को मिलेगी।